महाराजगंज जनपद के सिंदूरिया स्टेट बैंक कांड की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी महाराजगंज के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। महाराजगंज जनपद के सिंदूरिया स्टेट बैंक में बीते अप्रैल माह में कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा बैंक कर्मियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस विवाद के कारण सहायक प्रबंधक रमाकांत मिहिर ने पुलिस को सूचना देकर बुलाया। पुलिस ने उपभोक्ताओं को पीटा, जिससे आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया था। इस मामले में पुलिस और बैंक अधिकारी ने निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने और फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर महाराजगंज के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिला संयोजक ने बताया कि फर्जी मुकदमे में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। 16 तारीख को सिंदूरिया बाजार में स्टेट बैंक पर पैसे को लेन देन को लेकर के 4-5 दिन से सर्वर डाउन था बैंक का, और लोगों के वहाँ शादी ब्याह तिलक वगैरह था, पैसे की जरूरत थी, बहुत ही जरूरत थी, और उस जरूरत को देखते हुए लोग परेशान हो गए थे। तो थोड़ा हो हल्ला किए, ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर था जो थोड़ा सा होसन की टाइप, उसने पुलिस को बुला लिया, जबकि बैंक का ताला भी नहीं खुला था। पुलिस को बुला लिया, पुलिस वाले बाहर भरी खड़ी भीड़ को बहुत बेरहमी से मारे, जिसमें महिलाओं को भी मार दिया। तो महिलाओं को मारने की वजह से पब्लिक वहाँ क्रोधित हो गई, आक्रोशित हो गई। वो आक्रोश को देख करके पुलिस भागने लगी, और जब पुलिस भागने लगी तो पब्लिक ने दौड़ा करके चौकी पर जरा सा ईंट पत्थर मार दिया, जबकि पब्लिक मार खाई थी, लेकिन इसकी जांच नहीं हुई। रात में 10 बजे पुलिस ने महाराजगंज के असिस्टेंट मैनेजर के उस पर तहरीर पर फर्जी मुकदमा लिख दिया, और जिसमें 10-10 धाराएं लगा दी, हत्या का प्रयास, तोड़फोड़ और उसमें लूटपाट और हत्या का प्रयास और 7CLA, ऐसे मतलब 10-10 धाराएं लगा दी।